हाथरस कांड के विरोध में लोगों में आक्रोश है। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। सिंगरौली जिले में कांग्रेस ने हाथरस की दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार व हत्या की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार मुर्दाबाद, पीड़िता को न्याय मिले जैसे नारे लगाए। बैढ़न के अम्बेडकर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने कहा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। कांग्रेस नेता राम शिरोमणि शाह ने कहा कि दलित वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ उत्तर प्रदेश में यह घटना निंदनीय है। यह हाथरस में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मनीषा वाल्मीकि एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई और सरकार के द्वारा उसके डेड बॉडी को, उनके घर के लोगों को, परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं दिया गया, उनसे उसका चेहरा अंतिम दर्शन नहीं करने दिया गया। इसलिए हम सब लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च की और मनीषा वाल्मीकि जी के आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करने का हम सब लोगों ने मांग किया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।